विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक पर एक बार फिर से राज्य के राज्यपाल भड़क गए हैं। राज्यपाल ने एक पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है कि स्कूलों को बंद करो, इस भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप में अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसका जो असर है वो प्रतिकूल पड़ेगा। इस वजह से के पाठक पर फिर से राज्यपाल भड़क गए और उन्होंने एक पत्र लिखा। राज्यपाल के सचिव ने एक पत्र लिखा जो पत्र सीधे के पाठक यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि 15 मई तक जो आपने स्कूल को बंद रखा था और उसके बाद फिर से स्कूल खोल दिया गया, ये आप बंद कीजिए। स्कूलों को एक बार फिर से बंद किया जाए और समय अवधि 1 जून की बताई गई है। यानी कि के पाठक को राज्यपाल ने ये आदेश दिया है, राज्यपाल के सचिव ने ये पत्र लिखा है और कहा है कि स्कूलों को बंद किया जाए, इस चिलचिलाती धूप में अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से 15 मई तक स्कूलों को बंद किया गया था, जिसके बाद अब राज्यपाल के सचिव ने ये कहा कि आप स्कूलों को कम से कम 1 जून तक बंद कीजिए ताकि इस भीषण गर्मी में बच्चों को परेशानी ना हो। गर्मी की जो छुट्टी है इसे बढ़ाने को लेकर पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में राज्यपाल यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के सचिव ने लिखा है और ये पत्र सीधे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पर ये जिक्र किया गया है कि आपने 15 मई तक स्कूलों को बंद किया था, जिससे बच्चे को बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है। आज 21 मई हो गए, आज जब बच्चे इतने धूप में स्कूल जा रहे हैं तो तमाम बच्चे परेशान हैं, उनके अभिभावक परेशान हैं और चिलचिलाती धूप में बच्चों की तबीयत पर इसका असर पड़ रहा है। इस वजह से राज्यपाल के सचिव ने एक पत्र लिखा जिसमें बताया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्कूलें बंद करनी होगी। हालांकि बता दें आपको कि के पाठक अपने फरमान के आगे किसी के नहीं सुनते। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर के पाठक और राजभवन के बीच भिड़ंत हो चुकी है, पत्र वॉर पहले भी हो चुका है। इससे ठंड का मौसम था उस वक्त, पटना के तत्कालीन डीएम और के पाठक के बीच पत्र वॉर चलता रहा है। ठंड की छुट्टी उस वक्त करनी थी, ठंड में बच्चों को छुट्टी दे दिया था पटना के डीएम ने। इसके बाद के पाठक ने कहा कि आप शिक्षा विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और अंततः नतीजा ये हुआ कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई और उसके बाद के पाठक को स्कूल बंद करने हो गए। और एक बार फिर से जब भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में राज्यपाल की तरफ से ये पत्र लिखा गया है और के पाठक को कहा गया कि आप स्कूलों को बंद करें, तो क्या के पाठक राज्यपाल की बात मानेंगे? क्योंकि आज तक के पाठक ने किसी की बात नहीं मानी, चाहे वो राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो। स्कूलों के टाइमिंग बदलवाने थे, विधानसभा विधान परिषद में नीतीश कुमार ने कहा, लेकिन इसके बावजूद के पाठक ने बात नहीं मानी। और उसके बाद एक बार फिर से जब राजभवन की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, राज्यपाल के मुख्य सचिव ने लिखा है, तो भी क्या के पाठक इस बात को मानते हैं या अपने पुराने रवैये पर ही अड़े रहते हैं? देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।